तो अभी के लिए मैं आप लोग के क्वेश्चंस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप लोग कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि आपने मुझसे पूछा था कि आखिर विल गेट्स जो है अल्टीमेट्रिक्स को छोड़ के बेन की ओमनीट्रिक्स के पीछे क्यों पड़ा था। और हमें ये बात पता कि अल्टीमेट्रिक्स में काफी अच्छी काबिलियत है कि वो किसी भी एलियन को उसके अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकता है, और अल्टीमेट एलियंस जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद भी विल गेट्स जो है ओमनीट्रिक्स को पाना चाहता था, ना कि अल्टीमेट्रिक्स को। तो इसका क्या रीजन है वो आप लोग को इस वीडियो में पता लग जाएगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे म्यूजिक वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। अब ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि विल गेट्स जो है वो शो के स्टार्टिंग से ही ओमनीट्रिक्स को पाना चाहता था, क्योंकि विल गेट्स को जो है अपनी एक आर्मी बनानी थी जिनके पास ओमनीट्रिक्स की ताकत हो और वो पूरी दुनिया पे राज कर पाए। लेकिन बेन की वजह से विल गेट्स जो है कभी भी ओमनीट्रिक्स को हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन बेंटन एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में हमें ये देखने को मिला कि विल गेट्स ने जो है ओमनीट्रिक्स को पाने के लिए एल्विडो के साथ हाथ मिलाया, और उस टाइम पे एल्विडो के पास अल्टीमेट्रिक्स थी, जिस अल्टीमेट्रिक्स में ओमनीट्रिक्स की हर एक काबिलियत थी। वो एल्विडो को जो है किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, और अल्टीमेट्रिक्स एल्विडो के हर एक एलियन को उसके अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकती थी, जो कि नॉर्मल एलियन से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन उसके बावजूद विल गेट्स जो है अल्टीमेट्रिक्स को एल्विडो से नहीं छीनता, तो इसका क्या रीजन है? तो इसका सिंपल रीजन मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइस कि ओमनीट्रिक्स जो है अल्टीमेट्रिक्स के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा डिवाइस था। हालांकि ये बात हम सब लोग जानते हैं कि अल्टीमेट्रिक्स में एक काबिलियत है कि वो किसी भी नॉर्मल एलियन को उसके अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन शो में ये काफी बार बताया गया कि अल्टीमेट्रिक्स जो है उसको अच्छे से तैयार नहीं किया गया, क्योंकि एल्विडो ने उसे जल्दबाजी में तैयार किया था और एजमत ने उसको सिर्फ 70% ही तैयार किया था, जबकि एजमत ने ओमनीट्रिक्स को 100% तैयार किया था। तो यहाँ पे गाइस विल गेट्स को ये बात पता थी कि अल्टीमेट्रिक्स में वो काबिलियत नहीं है कि वो विल गेट्स की पूरी आर्मी को ट्रांसफॉर्म कर सके। जैसे बेंटन एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में विल गेट्स ने जो है ओमनीट्रिक्स का यूज करके पूरी आर्मी को ट्रांसफॉर्म किया था, वो काबिलियत अल्टीमेट्रिक्स में थी नहीं, और इस बात का विल गेट्स को पहले से पता था, इसलिए उसने ओमनीट्रिक्स को पाना चाहा, ना कि अल्टीमेट्रिक्स को। तो गाइस ये रीजन था कि विल गेट्स जो है अल्टीमेट्रिक्स के पीछे कभी भी नहीं पड़ा, क्योंकि उसको इस बात का पता था कि अल्टीमेट्रिक्स में वो काबिलियत नहीं है जो कि ओमनीट्रिक्स में है। और आप लोग को बेंटन एलियन फोर्स के ही एक एपिसोड में देखने को मिला होगा कि ओमनीट्रिक्स में इतनी ज्यादा काबिलियत थी कि उसने हाइब्रिड्स के डीएनए को चेंज कर दिया था। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये बात पता लग गई होगी कि आखिर विल गेट्स क्यों अल्टीमेट्रिक्स को नहीं पाना चाहता था और वो सिर्फ ओमनीट्रिक्स को ही हासिल करना चाहता था। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवानी है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली वीडियोस देख सकते हो।